सो गाइस, क्या हाल है। आज Realme का बहुत ही खतरनाक फोन लॉन्च हुआ है, Realme X3। इतना जबरदस्त जबरदस्त फीचर्स दिया गया है कि कोई भी अगर सुनेगा तो उसका सर चकराने लगेगा। बहुत ही जबरदस्त फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ है, लेकिन अगर मुझे पूछा जाएगा क्या ये फोन खरीदना चाहिए, तो मैं एक ही वर्ड में कहना चाहूंगा कि भाई इस मोबाइल को कभी भी मत खरीदना। डोंट बाई Realme X3। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसके बारे में एक रिपोर्ट में बनाया हूँ, तो ये रिपोर्ट आज आपके पास में पेश करने वाला हूँ। फिर आप डिसाइड करना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या मैं सही बोल रहा हूँ या फिर नहीं, लेकिन Realme X3 नहीं खरीदना चाहिए। तो यार वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। उससे पहले अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके बाजू में बेल का घंटा है उसको प्रेस करके ऑल कर दो। तो गाइस, जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंडिया में जब Redmi और Realme फ़ोन लॉन्च करेगा और उसका फ़ोन नहीं बिकेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जैसे कि मैं बताया, अभी Realme ने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है Realme X3, जिसमें फीचर्स तो भर भर के दिया है, फीचर्स में कुछ भी कमियां नहीं है। लुक और डिज़ाइन देखेंगे तो उसमें भी आपको कुछ कमियां देखने को नहीं मिलेगा। बैक पैनल में ग्लास बैक पैनल दिया गया है, लुक और डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त है। फ्रंट में आपको ड्यूल पंच होल डिस्प्ले मिलता है, तो कुछ भी कमियां आप नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि ये फ़ोन आपको नहीं खरीदना चाहिए। इसके बारे में एक रिपोर्ट में बनाया हूं जो मैं अभी पेश करता हूं। तो सबसे पहले Realme X3 का थोड़ा सा फीचर्स के बारे में आपको बता देता हूं। इस फोन में आपको 6.6 इंच का ड्यूल पंच होल फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया गया है, और यह डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। मतलब डिस्प्ले में आप कुछ भी नेगेटिव पॉइंट नहीं निकाल पाएंगे। एक हाई क्वालिटी वाला डिस्प्ले इस मोबाइल में दिया गया है, और डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास का भी प्रोटेक्शन है। और इसके बाद चिपसेट देखेंगे तो चिपसेट इस मोबाइल में जो दिया गया है क्वालकॉम की तरफ से, स्नैपड्रैगन 855 प्लस चिपसेट दिया गया है। ये जो चिपसेट है इसमें पबजी कॉल ऑफ ड्यूटी तो छोड़ो, आप बुलडोजर भी चला सकते हैं। मतलब बहुत ही खतरनाक चिपसेट है, इससे बेहतर चिपसेट आपको नहीं मिलेगा। मतलब फ्लैगशिप चिपसेट है, तो चिपसेट में भी आप कुछ भी कमियां नहीं निकाल पाएंगे। अब रैम और इंटरनल स्टोरेज देखेंगे तो स्टार्टिंग वेरिएंट जो है 6GB का रैम है और 128GB का इंटरनल स्टोरेज। और कैमरा की बात करें तो रियर कैमरा जो है वो क्वेड कैमरा का सेटअप है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर है, 12 मेगापिक्सल का तीन नंबर सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का चार नंबर सेंसर है। मतलब कैमरा में आपको किसी भी तरह का जो है नेगेटिव पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। एक हाई क्वालिटी वाला कैमरा इस मोबाइल में दिया गया है। और सेल्फी कैमरा की बात करें तो सेल्फी कैमरा में आपको 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर, मतलब ड्यूल फ्रंट कैमरा इस मोबाइल में दिया गया है। तो कैमरा में आपको किसी भी तरह का फॉल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अब बैटरी की बात करें तो 4200 mAh का बैटरी दिया गया है, ठीक ठाक है। और 30 वाट का चार्जर दिया है, जो फास्ट चार्जिंग है वो 30 वाट का है, तो आपको बैटरी में भी कमियां देखने को नहीं मिल रहा है और फास्ट चार्जिंग तो भर भर के दिया है। अब इस मोबाइल में आपको जो है USB टाइप सी भी देखने को मिल जाता है, तो फीचर्स में आपको कुछ भी कमियां देखने को नहीं मिलता है। और स्टार्टिंग वेरिएंट का प्राइस रखा है 24,999, यानी 25,000 दे के आपको Realme X3 खरीदना है अगर आपको ये सारे फीचर्स चाहिए। तो फीचर्स में आप कुछ भी नेगेटिव पॉइंट नहीं निकाल पाएंगे। तो यार मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि Realme X3 आपको नहीं खरीदना चाहिए, मेरा क्या सर चकरा रहा है या मैं फिर पागल हो गया हूँ? ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं रिपोर्ट अच्छे से बनाया हूँ। चलो मैं बात करता हूँ क्यों मोबाइल नहीं खरीदना है, Realme X3 क्यों नहीं आपको खरीदना है। तो यार अगर मैं बात करूँ Poco X2 का, तो Poco X2 का प्राइस लगभग 17,000 के आसपास आपको Flipkart में मिलेगा, यानी प्राइस डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 7 से लेकर 8,000 डिस्टेंस है Poco X2 से Realme X3 का। अब मैं बात करता हूँ Poco X2 का थोड़ा सा फीचर्स के बारे में। Poco X2 में भी आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है, पंच होल है, ड्यूल पंच होल है, आपको अच्छा क्वालिटी मिलता है। मतलब 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको Poco X2 में भी मिल जाता है, तो सेम क्वालिटी का डिस्प्ले आपको Poco X2 में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं रैम और इंटरनल स्टोरेज का, तो 4GB 64GB 6GB 128GB वाला है, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो रैम और रोम में भी आपको कुछ भी कमियां देखने को नहीं मिलता है Poco X2 में। और इसके अलावा भी आपको कैमरा देखेंगे तो 64 मेगापिक्सल का क्वेड कैमरा का सेटअप आपको इस मोबाइल में भी देखने को मिल जाता है। और सेल्फी कैमरा की बात करें तो ड्यूल सेल्फी कैमरा आपको Poco X2 में भी देखने को मिल जाता है, यहाँ तक कि आपको 20 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है फ्रंट सेल्फी में।
तो रियलमी X3 से अगर पोको X2 का कैमरा कंपेयर करेंगे तो कैमरा में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं बैटरी का, तो पोको X2 में आपको 4500 mAh का बैटरी दिया गया है, तो थोड़ा सा बैटरी तो बड़ा मिलता है लेकिन 27W का चार्जर दिया गया है, तो बैटरी में और चार्जर में भी पोको X2 में कुछ भी कमियाँ नहीं है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि है पोको X2 का चिपसेट। तो पोको X2 में स्नैपड्रैगन का 730G चिपसेट दिया गया है, इसमें आप पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर, किसी भी तरह का गेम आप HD में हाई ग्राफिक्स में खेल सकते हैं, कोई भी काम आप कर सकते हैं जो आप चाहें, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी इशू नहीं होगा। लेकिन आप Realme X3 देखेंगे तो उसमें स्नैपड्रैगन का 855+ चिपसेट दिया गया है, जो कि फ्लैगशिप चिपसेट है। तो सिर्फ आपको यही जगह पे जो है थोड़ा सा चेंज मिल रहा है, स्नैपड्रैगन का 730G और स्नैपड्रैगन का 855+ चिपसेट, इसमें आपको डिफरेंट मिल रहा है। लेकिन ये फ्लैगशिप चिपसेट है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका वजह से हम लोग 7-8 हज़ार ज़्यादा पैसा दे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सारे फीचर्स आपको पोको X2 में मिल रहा है। पोको X2 में जो चिपसेट है वो भी बहुत ही अच्छा चिपसेट है, हर एक काम आप पोको X2 में कर सकते हैं, तो क्यों आप स्नैपड्रैगन का 855+ चिपसेट के लिए 7-8 हज़ार रुपया ज़्यादा पे करेंगे रियलमी X3 के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रियलमी X3 आपको नहीं खरीदना चाहिए। बाकी आपका पैसा ज़्यादा है तो आप खरीद सकते हैं, मेरा तो ओपिनियन यही है कि रियलमी X3 नहीं खरीदना है, आपको पोको X2 खरीदना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और अपना ओपिनियन आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को अपना चाहे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो से जाने से पहले अगर आप चाहे ये वाला वीडियो देख सकते हैं, और आप चाहे तो ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय।